वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेस्टिंग क्या है और सैस के अंदर नेस्टिंग हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल हम लोग जो है वो एचटीएमएल के अंदर नेस्टिंग यूज कर रहे होते हैं, सीएसएस के अंदर भी नेस्टिंग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन सैस के अंदर अगर हम लोग नेस्टिंग की बात करते हैं तो इससे हमारा लाइन ऑफ कोड काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। कैसे हो जाता है, आए चलते हैं, अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं और सबसे पहले हम लोग नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये तीन चीजें मेरे पास डिफाइन है, तो मैं क्या करता हूँ एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस हेडिंग पैराग्राफ और तीनों और बटन को, इन तीनों चीजों को मैं क्या करता हूँ सिंपली कट करके इस डिव के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, और लेट्स सपोज मैं इस डिव की आईडी दे देता हूँ एग्जाम्पल, मैंने इस डिव की आईडी दे दी एग्जाम्पल। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर हम सीएसएस के अंदर कोड करते हैं तो सीएसएस के अंदर कोड हम किस तरह से करते हैं बेसिकली। ठीक है, कोड करने के लिए हम लोग जो है वो नेस्टिंग इस तरह से यूज करते थे। फॉर एग्जांपल डिव जिसकी आईडी है एग्जांपल, ठीक है, उसकी लेट्स सपोज हम लोग हाइट विड्थ डिफाइन करते थे। हाइट हमने डिफाइन कर दी है 400 पिक्सल और उसकी विड्थ हम लोग डिफाइन कर देते हैं 100% ताकि वो कंप्लीट ब्राउजर की स्पेस को विड्थ वाइज कवर कर ले। और लेट्स सपोज मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ जो हेडिंग का कलर है। ठीक है, मैं सिंपल कर देता हूँ हेडिंग कलर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं नेस्टिंग को यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा डिव हैश एग्जांपल। अभी मैं सिंपल सीएसएस की आपको नेस्टिंग बता रहा हूँ और हैश एग्जांपल यानी इस डिव के अंदर जो एच वन है, ठीक है, उसका कलर लेट्स सपोज कर दो वाइट। ठीक है, और यहाँ पे एरर है, इसको रिमूव कर देते। नेक्स्ट है हमारे पास डिव जिसकी आई डी है एग्जाम्पल और उसके अंदर है पैराग्राफ और पैराग्राफ का कलर भी कर दो वाइट। इसी तरह हमारे पास जो है वो बटन है डिव जिसकी आईडी है एग्जाम्पल और उसके अंदर है हमारे पास बटन और उसका कलर भी कर दो फॉर एग्जाम्पल वाइट। अच्छा, ये हो गया सिंपल सीएसएस के अंदर हम लोग जो है वो नेस्टिंग यूज करते हैं, यानी हम बार बार डिव का रेफरेंस देंगे कि डिव के अंदर एच वन है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, डिव के अंदर बटन है। लेकिन अगर मैं सैस की जो है वो नेस्टिंग की बात करूंगा तो ये हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सैस कहता है कि आप अगर हेडिंग इस डिप के अंदर आपकी तीनों चीजें पड़ी तो बार बार क्यों लिख रहे हैं उसको, उसको लिखने का तरीका कर क्या है, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ जो ऊपर लिखा हुआ हमने, और यहाँ पे हम लोग कमेंट यूज करते हैं और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ ताकि स्क्रीन पे हमें इजिली नजर आ जाए। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेस्टिंग। ठीक है, अब सैस के अंदर नेस्टिंग किस तरह से करते हैं, तो मैं सिंपल लिखूंगा डिप जिसकी आईडी है एग्जाम्पल और मैं नीचे से उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज कॉपी कर लूंगा, ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम लोगों ने इसके अंदर डिफाइन कर दिया, दैट्स इट, सेव किया। सेव करने के बाद अब फाइल उसको कंटिन्यूसली वॉच कर रही है, सीएसएस के अंदर जाके देख लेते हैं कि सीएसएस के अंदर हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या काम करना है, अब बार बार नहीं लिखना हम लोगों ने डिव जिसकी आईडी है एग्जांपल उसके अंदर एच वन पैराग्राफ बटन। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, इस डिव की डिक्लेरेशन के अंदर यानी उसकी ब्रैकेट के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करके हम लोगों ने लिखना है एच वन। ठीक है, और उसकी डिक्लेरेशन ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर तमाम चीजें डिफाइन कर दी है, यानी वो पेरेंट की ब्रैकेट के अंदर उसके सारे चाइल्ड आ जाएंगे। अब डिव पेरेंट थी, हेडिंग वन उसका चाइल्ड था, पैराग्राफ भी उसका चाइल्ड था, बटन भी उसका चाइल्ड था, तो हमने उसको डिव के अंदर ही रख दिया। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसका कलर चेंज करके कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ हेडिंग कलर। ठीक है, और डॉलर साइन हेडिंग कलर ब्लू कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, और सेम इसी तरह मैं लिखता हूँ पैराग्राफ और पैराग्राफ का कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं और पैराग्राफ का कलर भी क्या आएगा, हेडिंग कलर जो कि ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया हुआ है। सेम एज इट इज हम लोग लिखते हैं बटन और उसका कलर भी हम लोग कर देंगे ब्लू, यानी जो ऊपर हमने वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया। अब ये देखिए, मैंने एक ही डिव की डिक्लेरेशन के अंदर तमाम कोड डिफाइन कर दिया है और अब हम नीचे जाते हैं और ये कोड जो है वो सिंपली रिमूव कर देते हैं, ये जो नेस्टिंग सीएसएस वाली है इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हमारी फाइल जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो कंपाइल हो रही है। अब हम सीएसएस के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीएसएस के अंदर भी सेम इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, सैस के अंदर इस तरह से हम लोग नेस्टिंग करते हैं, सीएसएस के अंदर हमारे पास नॉर्मल नेस्टिंग ही आएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमारे पास डिप है, फिर डिप के अंदर एच वन है, फिर पैराग्राफ है, फिर बटन है, एंड सो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेस्टिंग के थ्रू अपना लाइन ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, ब्राउजर पे जाकर अगर मैं आउटपुट देखूंगा, इसको जूम आउट कर देते हैं, तो हमारे पास करेक्टली आउटपुट आ रहा है और हमारे पास नेस्टिंग भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब एक चीज और देखनी है, फर्ज करें मैं बटन के ऊपर होवर लगाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊं
तो बटन पे जो है वो उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, लेट्स सपोज। अब ये देखो बटन के ऊपर होवर लगा रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, बटन की बॉडी के अंदर मैं सिंपली लिखूंगा बटन, ठीक है, और होवर, और सिंपली मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। कलर लेट्स सपोज मैंने कर दिया येलो ग्रीन, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए, 20 पिक्सल से। अब ये देखिए मैंने होवर लगाना बटन के ऊपर, तो मैंने बटन की बाउंड्री के अंदर जो है वो होवर को डिफाइन किया हुआ है। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक, यहाँ पे आएगा बटन की जगह एम्परसेंड ऑपरेटर यानी एड ऑपरेटर, ठीक है। सेव किया, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखें अब उसका कलर भी चेंज हो रहा है और उसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है। लेकिन बताने का पर्पज ये था कि बटन के ऊपर होवर लगाना, तो मैंने बटन की बाउंड्री के अंदर डिफाइन किया। तो इस तरह से हम लोग सैस के अंदर जो है वो सिंपली नेस्टिंग करता है। आई होप सो आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से नेस्टिंग सैस के अंदर यूज करते हुए हम अपना लाइन ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।